जनपद हापुड़ के एसएसवी इंटर कॉलेज के सभागार में जनपद के तीनों विधायकों व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर व अतिथियों को बूके देकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की बालिकाओं द्वारा अतिथियों का स्वागत गीत गाकर किया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 का संदेश, पर्यावरण बचाओ का संदेश बालिकाओं ने गीतों के माध्यम से दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी से मृत हुए व्यक्तियों के बच्चों को लैपटॉप वितरण करना था, जिसके अंतर्गत 70 बच्चों को लैपटॉप वितरण किए गए। मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह ने बताया कि उनके बच्चों को 4,000 रुपए की धनराशि भी दी जाती है और उनकी लड़कियों की शादियों के लिए 1,01,000 का अनुदान दिया जाता है। जिला प्रशासन उन परिवार के बच्चों की सहायता करने हेतु हर समय तत्पर है और संवेदना व्यक्त करता है। कोरोना से पीड़ित लोगों के बच्चे अपने को अकेला न समझे, हम उनके साथ हैं। मेधावी बच्चों को पढ़ने के लिए हमारी तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश की पुरानी संस्कृति को सुरक्षित रखने हेतु सरकार प्रयासरत है। कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट से परिपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक सरोज द्वारा कार्यक्रम में आए हुए लोगों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। देखिए हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह के साथ कैमरामैन प्रशांत सिंह की एक खास रिपोर्ट। जो बच्चे जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपने माता या पिता या दोनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और मैं समझता हूँ और हम सभी लोग उन बच्चों के साथ हैं। और आज बच्चों को इस बात का एहसास भी हुआ है कि हमारे माननीय विधायक और जिले के सभी अधिकारियों ने उनको पूरी तरीके से आश्वस्त किया है और आज मैं समझता हूँ यहाँ से बच्चे एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे।